आज हम करने वाले हैं LNT 770 का एक्सल फिटिंग। ये उसका एक्सल है। अभी इसमें नीचे हम थोड़ा एनाबोंड लगा लेंगे। बस अभी इसके बाद अपना ये ऑयल सील बिठा लेना है। बस इसको ऐसे हाथों से प्रेस करके ये बैठ जाएगा प्रॉपरली। बस अभी इसके बाद समझो बेरिंग, ये ऐसे बेरिंग आएगा, ये बेरिंग को डाल देना है और ऊपर से थोड़ा उसको ठोकना पड़ेगा, उसको ऐसे छन्नी की और हथौड़ी की मदद से थोड़ा उसको ठोक देना है। सामने सामने से ठोकते जाना है। देखो ऐसे इसको ठोक लेना है अच्छे से, पूरा नीचे तक पूरा चिपका देना है। ये अभी पूरा चला गया है अंदर। अभी ये देखो ये जो उसकी हाउजिंग है इसको उल्टा रख देना है और उसमें एनाबोंड लगा लेना है। अभी देखिए ये एक्सल उठा के इसको ऊपर से सीधा अंदर डाल देना है। ये देखिए आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में ऐसा इसको आराम से ऊपर से डाल देना है और इसको ऊपर से ऐसा थोड़ा दबा देना है, वो बैठ जाएगा। अभी हम इसको उल्टा कर रहे हैं, अभी इसको उल्टा करेंगे और फिर उसका फिटिंग करेंगे। अभी देखिए ऐसा एक्सल डालने के बाद इसको उल्टा करके खड़ा कर लेना है, नीचे कुछ रख ले ताकि थ्रेड ख़राब ना हो बोल्ट के। अभी देखिए ऐसा इसको खड़ा कर देना है, ऐसे इसको खड़ा कर लेना है, उसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर लेना है। इसको हमने पहले से ही क्लीन कर लिया था। बस अभी उसके बाद ये देखो अपना ये प्लेनेटरी गियर आएंगे, ये इसमें डाल देना है। इसको थोड़ा घुमा के अच्छे से बिठा लेना है। ये देखो ये बैठ गया, ये भी पूरा अंदर बैठ गया है। अभी उसमें ये वाइसर लगेगी यहाँ पे, ये पतली वाली वाइसर है, ये नीचे जाएंगी, ये नीचे लगेंगी। इसके ऊपर ये जाड़ी सिम से वो लगे, ये वाइसर लगेगा। और ये बोल्ट लगा देना है यहाँ पे, ये बोल्ट आएगा, ये बोल्ट यहाँ पे लगा देना है और इसको टाइट करना है। ये देखो गोटी लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी हम इसको टाइट करेंगे।
पूरा अच्छे से टाइट करना है पीछे से, उसको लॉक करके पाइप लगा के दबा लेना है। ये फुल टाइट करना पड़ता है। अभी देखो इसको पीछे से हमने लॉक किया हुआ है और इधर से टाइट कर रहे हैं। अब उसके बाद ये लॉक बैठेगा यहाँ पे, ये लॉक लगा देना है। ये लॉक प्रॉपरली बैठ गया है अंदर, उसको थोड़ा हमने ठोक के फिक्स कर दिया है। उसके बाद अभी ये आएगा अपना ब्रेक पिस्टन, ये हम ब्रेक पिस्टन लगा रहे हैं अभी, इसको अच्छे से लगा देना है होल मैच करके, उसको रख देना है। और उसके बाद ये इसकी ओरिंग पे थोड़ा सा एनाबोंड लगा के इसको फिट कर देना है। इसको दो एलंग की बोल्ट आएंगे, वो एलंग की बोल्ट देखिए, एलंग की बोल्ट लगा दिए और उसको ये अच्छे से टाइट कर लेना है। ये देखिए बोल्ट अच्छे से टाइट हो रहे हैं, टाइट हो गए। अभी इसको और खड़ा कर लेना है और खड़ा करके एक्सल पहले अंदर लगा लेना है। ये देखिए ऐसा ये इजी घूमना चाहिए। अभी एक्सल हम लोग डाल चुके हैं, अभी हम ये प्लेट बिठाएंगे। ये पहले काउंटर प्लेट आएंगी, उसके बाद ये फ्रिक्शन प्लेट आएंगी, ऐसे चार काउंटर और चार फ्रिक्शन, चार चार प्लेट आएंगी दोनों तरफ। ये बिठाने का प्रोसीजर सेम रहेगा, इसीलिए मैं आपको एक ही साइड का बिठा के बता रहा हूँ। प्लेट बिठाने का, एक्सल फिट करने का प्रोसीजर दोनों तरफ का एक जैसा ही आएगा, सेम आएगा। इसकी वजह से मैं आपको एक साइड का पूरा बिठा के दिखा रहा हूँ। ये भी हमारे चारों प्लेट बैठ गए हैं और अभी ये उसके ऊपर हमें ड्रम लगा रहे हैं। ड्रम को अच्छे से होल मैच करके बिठाना है और नीचे होल मैच हो जाएंगे तो वो क्लियर बैठ जाएंगा। अभी ये देखो होल मैच हो गए, होल मैच होने के बाद ये बोल्ट सब लगा लेना है, बोल्ट लगा के अच्छे से उसको टाइट कर लेना है। देखिए अभी हम ये सब बोल्ट लगा रहे हैं, देखिए बोल्ट लग गया, टाइट हो गया। अभी हमने उसको पूरा टाइट कर लिया था, उसके बाद ये रॉड लगेगी और उसका ये बोल्ट यहाँ पे चेकनट है वो टाइट कर लेना है। ये अब ये टाइट हो गया, इसको पूरा टाइट कर ले रहे हैं, ये हो गया। अब ये दूसरी तरफ का है, उसमें ये दो बोल्ट लगेंगे और ये एक पट्टी आएंगी, ये दूसरी तरफ का है, इसको भी ये पट्टी टाइट कर लेनी है। और उसके बाद में ये हाउजिंग देखो, ये ऐसा हमने ये लगा लिया है, उसके बाद ये क्रॉन पिनियन अंदर डाल के बस हाउजिंग लगा देना है। अभी ये हाउजिंग को मैच उठा के थोड़ा मैच करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर उठा के उसको घुमाना, उधर से पीछे से घुमाना पड़ेगा, थोड़ा घुमा के उसको उठा के अंदर डाल लेना पड़ेगा। ये देखिए
अभी ये थोड़ा ऊपर उठा के, ये देखिए अभी उसको थोड़ा और उठा के मैच करेंगे, पीछे से थोड़ा घुमाएंगे उसको, फिर वो चला जाएगा अंदर। ये देखिए अभी ये गया, ये देखो चिपक गया, बस अभी ये गया है, अभी बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देंगे, अभी ये अपना आज एक्सल फिट हो गया।